नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं विनीता मिश्रा। पटना में दवा लेने वाले बहाने दवा दुकानदार हथियार के बल पर अपराधियों ने दवा दुकानदार से लूटपाट की है। 20,000 रुपए लूटकर अपराधी फरार हो गए। घटना रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के चांगर मोड़ स्थित मेडिकेयर नामक दवा दुकान की है। रकम लूटने के दौरान चेहरा छिपाए लुटेरों ने दुकानदार मुकेश कुमार और उसके भाई को रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। बैग में रकम लेने के बाद दोनों पास में लगी बाइक से फरार हो गए। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हथियारबंद अपराधी दुकान में घुसते हैं और हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। तो राजधानी पटना में लगातार अपराधी मस्त हैं और पुलिस पस्त नजर आ रही है। लूटपाट की घटना को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। हथियार के बल पर अपराधी दुकान में घुसते हैं और लूटपाट करते हैं। पटना में पिछले एक महीने में अपराधियों ने लूट की ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। पूरे जनवरी की बात करें तो अपराधियों ने विभिन्न कांडों में 40 लाख से ज्यादा केवल कैश लूट लिए हैं। पटना पुलिस के कप्तान उपेंद्र शर्मा घटनाओं को रोकने के लिए क्राइम प्रिपरेशन और ज्यादा क्राइम डिटेक्शन पर जोर देते नजर आते हैं, लेकिन इन दावों के बीच उन्हें उभरते गैंग पुलिस को चुनौती देने में लग गए हैं। इन्हीं गैंग में शामिल है एक उभरता गैंग जिसका नाम है हेलमेट गैंग। पिछले एक महीने के अंदर हेलमेट गैंग ने लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। सबसे ज्यादा दहशत दवा कारोबारियों में है। हेलमेट पहने हेलमेट गैंग के दोनों अपराधी दवा दुकान में घुसते हैं और पलक झपकते ही लूटपाट कर फरार हो जाते हैं। कल दानापुर के बाद रामकृष्णा नगर में इसी गैंग ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। हमारे संवाददाता मणिभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। मणिभूषण, लगातार प्रशासन के द्वारा दावा किया जा रहा है कि क्राइम कंट्रोल में है, बावजूद जो दो तस्वीरें आई हैं एक ही दिन में दानापुर में भी और पटना में भी दवा दुकानों में लूटपाट की गई है। जी विनीता, ये जो दो मामले बता रही है, एक पहला मामला जो है वो दानापुर का है, दवा व्यवसायी से लूट का है। जो व्यक्ति ने लूटपाट की है हथियार के बल पे और उसके बाद प्रशासन को खबर की जाती है कि तरह की लूट हुई है और उनकी पहचान भी दी जाती थी कि इस तरह का कपड़ा उन्होंने पहना था, इस तरह का काम कर रहे हैं, वही आदमी कल रामकृष्णा नगर स्थित एक दवा दुकान में भी लूटपाट कर रहे हैं, जिसे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। और यह कहा जा सकता है कि जो पटना पुलिस हमेशा कहती है कि क्राइम मामले में कोई टॉलरेंस नहीं, किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, और एक ही व्यक्ति दो दो तीन तीन जगह लूट की घटनाओं को अंजाम देता है, ये तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जो घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुई, लगता है कि इन्हीं लोगों का द्वारा किया जा रहा है। जो मनोबल अपराधियों का बढ़ा हुआ है, इससे तो यही लगता है कि पटना पुलिस इनके आगे नतमस्तक है। चोरी करके हथियार के बल जिस तरह से लूटपाट कर रहे हैं, यह तो कहा जा सकता है कि पटना पुलिस अपने पटना को सुरक्षित करने में नाकाम दिख रही है। मणिभूषण, जैसे एक महीने जनवरी की अगर बात करें तो पिछले एक महीने में जिस तरह लगभग 40 लाख कैश की लूट की गई है, कुछ अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है, कई अपराधी पुलिस के गिरफ्त से दूर है, क्या कहना है पुलिस प्रशासन का? जी, अभी भी पुलिस के हाथ जो खाली है, जब दानापुर में 19 जनवरी को ये घटना हुई थी तब पुलिस ने हामी भरी थी कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। पकड़ क्या लिया जाता है कि कल फिर उसी अपराधी वही अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। यह दिन अब दूर नहीं होगा कि जल्द ही जितने भी दवा कारोबारी है, जितने भी दवा दुकानें हैं, वहां पे प्रशासन को अलग से सुरक्षा देने की मांग को लेकर कहीं बंद भी न हो जाए। जैसे कि कभी अस्पतालों में किसी तरह का नोक झोंक हो जाता है तो वहाँ डॉक्टर सुरक्षा की मांग करते हैं, तो ये तो आए दिनों जिस तरह से दवा दुकानों के में हथियार के बल पर लूट हो रही है, तो अब आने वाले समय में दवा दुकानदार सरकार से ये मांग करेंगे कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए, तभी हम दवा दुकानें खोलेंगे। यह दिन दूर नहीं आएगा जिस तरह से दवा दुकानों में हथियार के बल पर लूट हो रही है, तो आने वाले समय में पटना पुलिस को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जी मणिभूषण, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तस्वीरें पटना पुलिस की नींद खोलने के लिए काफी है। जिस तरह हथियार के बल पर अपराधी दुकान में घुसकर
लूटपाट कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है और कब तक ये अपराधी सलाखों के पीछे होते हैं।